घर पर अचानक से कोई मेहमान आ जाए या सुबह कुछ चटपटा नाश्ता खाने का मन कर रहा है तो झटपट बनाइए पनीर भुर्जी, जो बिल्कुल 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। आप सर्व कीजिए ब्रेड के साथ या पाव के साथ, बहुत ही टेस्टी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, देखने में ही कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बिल्कुल सब्जियों से भरपूर है पनीर भुर्जी। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है जिसमें मैं एक बड़ा चम्मच तेल डाल दूंगी, आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें डाला है मैंने एक चम्मच जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ ही मैं डाल दूंगी एक बड़ा कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च। इसे मिक्स करेंगे और लगभग 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। अब हम डालेंगे कुछ सब्जियां। यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ा कटा हुआ टमाटर, आधा कटा हुआ शिमला मिर्च, थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि हमारी ये सब्जियां जल्दी से पक जाए। इसे हमें पकाना है 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए। अब थोड़े मसाले डालेंगे जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और कटा हुआ हरा धनिया। इसे मिक्स करेंगे और अब डालेंगे घिसा हुआ पनीर। यहाँ 200 ग्राम पनीर लिया है मैंने, साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला पाउडर, मिक्स करेंगे। बस हमारी पनीर भुर्जी बिल्कुल तैयार है। ज़्यादा मत पकाइए वरना पनीर हार्ड हो जाएगा। गार्निश कीजिए हरे धनिए के साथ और सर्व कीजिए तुरंत गर्मा गर्म पनीर भुर्जी, ब्राउन ब्रेड के साथ, वाइट ब्रेड के साथ, पाव के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग।